हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द प्रिशिता शो। आज का हमारा टॉपिक है पेरेंटिंग के ऊपर। हमारा जो चैनल है वही पेरेंटिंग के ऊपर है, तो मुझे लगा कि आज हमें पेरेंटिंग के ऊपर ही थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि किस तरीके से आपको बच्चे की परवरिश करनी चाहिए। होता क्या है कि जब बेबी पैदा होता है तो हमें लगता है कि उसको दुनिया की हर खुशी देनी है, उसको दुनिया की हर चीज़ जो हम ला के दे सकते हैं हमें उसको देनी है। बट कई बार ये क्या होता है कि ये बेस्ट पेरेंटिंग करते करते हमें ये लगता है कि हमें बेस्ट पेरेंट्स बनना है, और हम बेस्ट पेरेंट्स बन भी जाते हैं, बट बेस्ट पेरेंट्स बनते बनते पेरेंटिंग कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि किस तरीके से हमारी पेरेंटिंग थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। तो बेस्ट पेरेंट्स हम सबको बनना होता है, बनना भी चाहिए। मैं एक मदर हूँ, मुझे खुद को लगता है कि हमें एक बेस्ट पेरेंट बनना है। बट बेस्ट पेरेंट बनने के साथ साथ ज़रूरी है कि जो पेरेंटिंग हम कर रहे हैं, जो बच्चे की परवरिश हम कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हो, तो उसका भी हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे लाइक करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा। तो पेरेंटिंग में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। होता क्या है कि हम बच्चे को बहुत सारे टॉयज़ ला के दे देते हैं, बच्चे को बहुत सारा सामान लेके ला के दे देते हैं, बस उन टॉयज़ से या उस सामान से या उस सारी चीज़ों से बच्चे की परवरिश अच्छी नहीं हो सकती। अकेले उन चीज़ों के साथ नहीं खेल सकता। अगर वो खेल भी लेता है तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको अकेले ही रहने की हैबिट हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ों के साथ साथ आप अपना वैल्यूएबल टाइम भी उसको दें, आप क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करें। जो टाइम आप बच्चे के साथ स्पेंड करेंगे वही टाइम आपको बच्चे को समझने के लिए भी हेल्प करेगा। आपको समझ में आएगा आपके बच्चे का, आपका बच्चा किस तरीके से जा रहा है, उसका डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। तो वो टाइम ज़रूर आप बच्चे के साथ स्पेंड करें, और उसके साथ आप ये ज़रूर ध्यान रखें जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसको हमेशा हर चीज़ के लिए करेक्ट ना करते रहें, हर चीज़ को सिखाते ना रहें। क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि आप उसके साथ खेलें, उसके साथ खुश रहिए, और जब वो आपके साथ है तो उसको बहुत अच्छा फील होना चाहिए। तो आप बच्चे के साथ वो क्वालिटी टाइम ज़रूर से ज़रूर स्पेंड कीजिए। आपकी चीज़ों से ज़्यादा, आपके टॉय से ज़्यादा उसको आपके टाइम की ज़रूरत है, तो वो आप उसको ज़रूर दीजिए। बच्चे के लिए आप थोड़ी सी लिमिट सेट कीजिए हर चीज़ के लिए। ये नहीं कि बच्चा किसी भी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है और आपको लग रहा है कि क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि बच्चा इससे हैप्पी हो रहा है, तो वो उसको आपको करने देना चाहिए। चाहे वो खेलने का टाइम हो, चाहे वो टीवी देखने का टाइम हो, चाहे वो कहे कि मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा और उसको भी खाना खाना ज़रूरी है, तो हर चीज़ के लिए आप लिमिट सेट करें कि उसको इतनी देर ही टीवी देखना है, या उसको इतनी देर ही खेलना है, या उसको इतनी देर स्टडी करना है। तो आप थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल उसके लिए ज़रूर बनाइए, उससे आगे उसको लाइफ में बहुत इजी हो जाएगा चीज़ों को करना, जब उसकी एक लिमिट सेट हो जाएगी कि उसको इतनी देर ये करना होता है, इतनी देर ये करना होता है। सपोज़ अभी उसको टीवी बहुत ज़्यादा देखने की हैबिट पड़ गई तो वो आगे तक कंटिन्यू रहेगी, तो बच्चा अपने स्टडी पे फोकस नहीं कर पाएगा, बच्चा बाहर खेलने के लिए अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाएगा। तो हर चीज़ के लिए, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी एक लिमिट सेट कीजिए, टीवी के लिए एक लिमिट सेट कीजिए, स्टडी के लिए एक लिमिट सेट कीजिए। तो हर चीज़ के लिए एक लिमिट में आपको बच्चे को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट नंबर आता है, आप बच्चे से कुछ क्वेश्चंस पूछिए जिनका वो आंसर देगा। जैसे आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका पूरा दिन कैसा रहा, या वो अभी क्या खेल रहा था, या जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी आपको लगे कि आपके कन्वर्सेशन को हेल्दी बना सकते हैं, आपके कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपसे आप कुछ क्वेश्चंस उससे पूछिए जिसका वो आंसर देगा। उससे क्या होगा कि उसकी आंसर देने की एबिलिटी भी डेवलप होगी, और बच्चा वो भी सीखेगा कि क्वेश्चंस को आंसर किस तरीके से किया जाता है। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चे का जो माइंडसेट है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप बच्चे से जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर्म में कीजिए, और जिससे वो चीज़ों को आंसर कर सके और थोड़ा सा चीज़ों का सोल्यूशन निकालना सीख सके। तो इस तरीके से आप ज़रूर बच्चे के साथ कीजिए। फिर है कि जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, जैसे बच्चा छोटा है तो अभी आप उसको लिखना सिखा रहे हैं, या कोई भी चीज़ जो आप बच्चे को सिखा रहे हैं, तो वो जो भी आपने सिखाया है उसको प्रैक्टिस में लाइए, वो भी आप बच्चे को ज़रूर सिखाइए। आपने जैसे उसको बोलना भी सिखा रहे हैं तो वो भी कंटिन्यूसली आप बच्चे से बुलवाइए। कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि आपका बच्चा जिस भी एज में है, जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर आप बच्चे को कराते रहिए, जिससे कि वो अच्छे से उस चीज़ को सीख पाए।
डू नॉट डू एवरी थिंग फॉर योर चाइल्ड, मतलब आप हर चीज़ उसको करके मत दो, उससे उसकी आगे की हैबिट बहुत ख़राब हो जाएगी। अब चाहे वो उसके होमवर्क हो, चाहे वो उसके टॉयज़ को सही जगह पे रखना हो, चाहे उसको खाना खाने के बाद उसकी प्लेट्स उठानी हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको आपको लगता है कि बच्चा खुद कर सकता है लेकिन आप फिर भी उसको हेल्प कर रहे हो, वो आप गलत कर रहे हो, वो आपको नहीं करना चाहिए। तो वो आप राइट एज में बच्चे को ज़रूर सिखाओ, उसके लिए हर काम आप मत करके दो, बच्चे को खुद सीखने दो चीज़ों को करना। जब वो इस एज में ये चीज़ों को करना सीख जाएगा तो आगे जाके उसकी लाइफ में उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, उसको बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम में आएगी। कुछ पेरेंट्स को हमने देखा है कि हमेशा बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं, जब वो कुछ नेगेटिव कर रहा है तो बस हमेशा उसको कहते रहो कि आपने ये क्यों किया है, आपने ये कैसे किया है। इनफैक्ट जब वो कुछ पॉजिटिव भी कर रहा है तो भी पेरेंट्स को बोलना होता है कि आपने ऐसे कर दिया और आपने वैसे कर दिया। आप प्लीज़ इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज करें, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। बच्चे अंदर से बहुत इरिटेट और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। तो बच्चे थोड़ी सी गलतियाँ करते ही हैं। जहाँ तक आपको लग रहा है कि इस चीज़ के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उसने अपना टॉय उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, आप उसको सिखाओ, दैट इज़ गुड कि ये चीज़ सही जगह पर रखनी होती है। बट आप हर समय उसके पीछे पड़े रहोगे तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा। आप सही टाइम पे उसको सही चीज़ सिखाओ, बट आप हर समय नेगेटिव चीज़ के लिए उसको बोलते मत रहो कि आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। इनफैक्ट अगर वो कुछ पॉजिटिव कर रहा है तो आप उसको एनकरेज ज़रूर करते रहो। जब आप उसको एनकरेज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को सही करना स्टार्ट कर देगा, बजाय इसके कि हर नेगेटिव चीज़ पे आप अपना रिएक्शन दो। ज़रूरी है कि हर पॉजिटिव चीज़ पे आप अपना रिएक्शन दो और कुछ नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हुए कुछ नेगेटिव चीज़ों पर आप अपना रिएक्शन दे सकते। नेक्स्ट है अपने पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अपने लड़ाई झगड़ों को बच्चों से थोड़ा सा दूर रखें, वो भी बहुत ज़रूरी है। एज ए वाइफ, एज ए स्पाउस मैं समझ सकती हूँ कि ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। हम जैसे जैसे हैबिट में होते हैं वो एकदम से बच्चे के सामने ये सोचना कि ये नहीं करना है थोड़ा सा मुश्किल है। बट बच्चे को अगर आपको राइट गाइडेंस देनी है, आपको लगता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसका बिहेवियर अच्छा रहे, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो आपकी मैरिज को ही देख रहा है, वो आपको ही देख रहा है कि किस तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के सामने आप कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, बच्चे के सामने आप ऊँची आवाज़ में बात ना करें। और ये भी ज़रूरी है, आप ये ना सोचें कि बच्चा अभी 3-4 महीने का या बच्चा 6 महीने का है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चे को सब कुछ समझ में आता है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी। जब प्रिशिता 5 मंथ्स की थी, एक्चुअली हमें ये तभी रियलाइज़ हुआ जब प्रिशिता 5 मंथ्स की थी, तो हमने उसको सॉलिड इंट्रोड्यूस कर दिया था और फिर हम उसको पानी देते थे साथ साथ में, तो वो हमें हैबिट में आ गया था। जब हम उसको पानी पिला देते तो हम बोलते थे बार बार प्रिशिता वाटर, प्रिशिता वाटर। तो जब हमने ये 6-7 दिन प्रैक्टिस में किया और जब कुछ दिन के बाद हम उसको वाटर बोलते थे तो उसको इमिजिएटली समझ में आता था कि उसको वाटर मिलने वाला है, मतलब उसको पानी का मतलब समझ में आ गया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 5 मंथ्स के बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर आप ये लड़ाई झगड़ा करते हो या आप ऊँची आवाज़ में बात करते हो या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, तो उस बच्चे को वो सब चीज़ें समझ में आती हैं। वो लैंग्वेज बेशक आपका ना समझ में समझ पाए लेकिन वो सब वो ऑब्जर्व करता है, वो फिर बच्चा उसी हिसाब से बड़ा होता है। तो अब आप सोच सकते हो कि बच्चे की परवरिश आपको किस हिसाब से करनी है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को सॉफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीख लीजिए। वो बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है फ्यूचर में सक्सेस हो, बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो अच्छे तरीके से बड़ा हो, तो ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एज ए पेरेंट्स आपको बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बनना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बच्चे को हर चीज़ में सपोर्ट करना है, जब वो चलना सीख रहा है तो भी, जब वो बोलना सीख रहा है तो भी, जब वो प्ले स्कूल जा रहा है तब भी, जब वो बड़ा होकर कुछ करना चाह रहा है तब भी, हर टाइम पे आपको बच्चे का सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ा रहना है। एज ए पेरेंट्स आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी बच्चे को आपकी ज़रूरत हो आप हमेशा उसके लिए खड़े रहें। बस आप ये देख सकते हैं कि बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है या आप गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बच्चा गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो सही डायरेक्शन में लाना भी आपका काम है, और अगर बच्चा सही डायरेक्शन में है तो उसको सपोर्ट करना हमेशा आपका ही काम है।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी कि हमेशा ये ना सोचें कि जो भी काम है बस वो हम अकेले कर लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, हर काम इंसान अकेले नहीं कर सकता, चाहे वो बच्चे की परवरिश हो चाहे वो कुछ और काम हो। तो अगर आपके पास कोई हेल्प है, हेल्प इन द सेंस अगर घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर बच्चे के दादू दादी हैं या और कोई फैमिली मेम्बर्स हैं जो बच्चे की परवरिश में आपको हेल्प कर सकते हैं, तो ज़रूर आप उनको मौका दीजिए, ज़रूर उनको ऐसा करने दीजिए। क्योंकि कई बार एज अ पेरेंट्स हमें लगता है कि हम ही हर चीज़ बेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता। आप बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी ऐसा करने दीजिए। जैसे दादी दादू हैं, बच्चे को खाना खिला सकते हैं, बच्चे को खिला सकते हैं। इससे क्या है कि उनका भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, वो भी बहुत खुश रहते हैं। तो आप बाकी मेम्बर्स का भी इन्वॉल्वमेंट बच्चे के साथ में पूरा रखिए। आप हमेशा ये मत सोचिए कि आप ही 100% बेटर दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ। मतलब जब आप बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तो अपने आप को नहीं भूल जाइए। हालांकि एज ए मदर मैं समझ सकती हूँ कि इस चीज़ को भी फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। जब बेबीज़ हो जाते हैं तो हमें हमेशा बेबीज़ ही नज़र आते हैं, हमें अपनी हेल्थ नज़र नहीं आती, हमें अपना कुछ काम करना नज़र नहीं आता। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि बेबी के साथ साथ आप का भी हेल्दी रहना, आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए बच्चा है उतने ही इम्पॉर्टेंट आप खुद अपने लिए होने चाहिए हो। और जब आप बच्चे की परवरिश कर रहे हो तो आपको हेल्दी रहना है, आपको पेशेंस रखने हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें, ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा योगा करते रहें, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जिस भी चीज़ से आपको अच्छा लगता है, जिस भी चीज़ से आप बेटर फील करते हैं। क्योंकि आपको पूरी एनर्जी चाहिए, आपको पूरी आपकी हेल्थ अच्छी चाहिए ताकि आप बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकें। तो बच्चे की परवरिश करते करते, बच्चे को अच्छा इंसान बनाते बनाते आप अपने आप को नहीं भूल जाइए, आप अपने ऊपर भी पूरा ध्यान रखिए। मैं अगेन कहूँगी कि एज अ मदर मैं समझ सकती हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा नहीं इनफैक्ट बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको कैसे भी करके अपना ध्यान ज़रूर से ज़रूर रखना है। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। आप बच्चे को बहुत सारा प्यार कीजिए, आपके प्यार की बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे को इतना लाडला मत बनाइए कि वो बिगड़ जाए, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता तो बड़े अंडर कॉन्फिडेंट से बच्चे हो जाते हैं, उन बच्चों में कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होता। तो ज़रूरी है कि आप बच्चे को बहुत प्यार करें, बट वो आपका जो प्यार भी है वो भी पैरामीटर्स पे नहीं होना चाहिए कि अब बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है तो अभी आपने बच्चे को बहुत प्यार कर दिया, और उसने थोड़ा सा कोई गलती करी या थोड़ा सा कोई नेगेटिव काम किया तो अब बच्चे पे बहुत ज़्यादा रूड हो गए। इसको आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखिए। बच्चों को गलतियों पे सुधारना ज़रूरी है, लेकिन पेरेंट्स कई बार बहुत रूड हो जाते हैं, कई बार बच्चे को थप्पड़ भी मार देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बच्चे छोटे होते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, बट जब आप इस तरीके से बच्चे के साथ बिहेव करते हैं तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, बच्चों को लाइफ जीने का नज़रिया ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चों को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उनको आप बहुत सारा प्यार कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उनको मैक्सिमम प्यार दीजिए। बच्चे को आप जब भी कोई चीज़ें सिखा रहे हैं तो उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने बच्चे को ये रूल बता दिया, कल आप दूसरा बता रहे हो। सपोज़ आपने बच्चे को प्लीज़ थैंक यू ही बताया है तो उस चीज़ को आप खुद फॉलो कीजिए, या बच्चे को आपने कुछ सिखाया है तो उस चीज़ के लिए उसको कंटिन्यू करने दीजिए। ये नहीं कि नेक्स्ट डे आपने उसको चेंज करा दिया। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को किसी भी तरीके से, किसी भी बात के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, आप बच्चे को पूरा रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप बच्चे को रिस्पेक्ट करोगे तो बच्चा आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा तो बाकी लोगों को भी रिस्पेक्ट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपको रिस्पेक्ट करे, बच्चा बाकी सबको रिस्पेक्ट करे, तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बच्चे को भी इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो जितना रिस्पेक्ट आप बच्चे को दोगे, जिस तरीके से आप बच्चे से बात करोगे, उतना ही रिस्पेक्ट वो आपको देगा, उतना ही रिस्पेक्ट वो औरों को देगा। उसी तरीके से वो आपसे बात करेगा, उसी तरीके से वो बाकी लोगों से बात करेगा। तो ये सब आपको ही बच्चे को सिखाना है कि किस तरीके से रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये बच्चा आपसे ही सीखेगा और वो फिर आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर से ज़रूर करेगा। तो हम बच्चे को एक हेल्दी चाइल्ड बना लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन उसको दे सकते हैं, वो आई थिंक फिर भी थोड़ा सा इजी जॉब है। लेकिन बच्चे को जब गुड मैनर्स सिखाने की बात आती है, वो गुड प्रैक्टिसेस की बात आती है, तो वहाँ टास्क थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। बट अगेन, हम पेरेंट्स हैं, हमको ये करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ये आप कीजिए, बाकी पेरेंट्स से बात कीजिए जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हैं कि उनके लिए क्या वर्क किया, उन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें बच्चों के साथ में हैंडल की, किस तरीके से उन्होंने बच्चों को सिखाई। आप वो पैटर्न फॉलो कर सकते हैं या आप सर्च कर सकते हैं कि क्या आपके लिए काम कर रहा है, उस तरीके से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। अपने को पार्टनर से या बाकी के फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा बॉन्डिंग बना के रखें, आप उनको इस तरीके से बताएं कि आप बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं या बच्चे के साथ ये करना चाहते हैं, तो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आप इसी तरीके से चलेंगे कि जिस तरीके से जो चीज़ें आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।